ओवैसी जैसे तो 36 पैदा होते हैं, ठीक है। ओवैसी का काम क्या है? सब भड़काने का काम। जो मोदी जी ने वहाँ से कहा कि जो है गाय या ओम पर, तो जो है गाय हमारी नहीं, गाय तो पूरी राष्ट्र माता है। ओवैसी शायद ये भूल रहा होगा कि ओवैसी ने भी कभी अपने बचपन में जो है गाय का दूध पिया होगा। नहीं, अगर उसको मालूम है तो अगर उसके माता पिता जीवित हैं तो जा कर के उनसे पता कर ले। और क्या पाकिस्तान में लोगों ने जो है गाय का दूध नहीं पिया, या जो ये ड्राई मिल्क जाता है, सूखा दूध जो बन कर के जाता है या आता है, वो किससे बनता है? वो किससे बनता है? क्रिश्चियन के कोई वो है जानवर है उससे बनता है, या मुस्लिम के सुअर लोगों से बनता है, या किससे बनता है? गाय ही तो दूध देती है, भैंस दूध देती है, उसी से जो है दूध बनता है। आप उसको ड्राई मिल्क को, उसको ड्राई करके बना लिया जाता है कि वो काफ़ी समय तक का जो है पैक में जो है वो सिक्योर रहे, सेफ रहे, और उसके बाद उसको जो है भेजा जाता है बाहर। तो जो है आप जो दूध जो भी पीते हो, आप चाय में दूध पीते हो, आप बिना चाय की काली चाय पियो, अगर इतना ही आपको शौक है दूध ना पीने का, तो आप काली चाय पियो, गाय का दूध आप पी रहे हो, हम तो ये कहेंगे। और गाय हिंदुओं की वो है, आप बोलते हो तो हम बोल रहे हैं कि गाय हिंदुओं की है, और गाय पूरे राष्ट्र की माता है, गाय सर्वधर्म संपन्न है, गाय में जो है 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। अरे गाय तो तुम्हारे अल्लाह ने भी माना उसको, तुम्हारे और भी लोगों ने माना, वाहेगुरु भी मानते हैं। ये कहाँ का वो है कि गाय और भैंस पे राजनीति चालू हो जाती है? है तुम लोग वही हो गए जो अंग्रेज़ों ने किया, क्योंकि जो है ये जो है संपूर्ण धर्म संप्रदाय का ये भारत था, यहाँ हर जात के हर धर्म के लोग यहाँ रहते थे और बहुत खुशहाली की ज़िंदगी जीते थे, मस्त रहते थे, और किसी का कोई मतभेद नहीं था, कुछ नहीं था। अंग्रेज़ जब आए, अंग्रेज़ों ने देखा अच्छा यहाँ तो बड़े मतलब सब वो रहते हैं, और यहाँ तो साफ दूध घी की नदियाँ बहती हैं, इतना संपन्न है भारत। तो उन्होंने क्या किया, आपस में भिड़वाना शुरू करा, फूट डलवाया, और वहाँ यहाँ इंसान से ही इंसान को लड़वाया। यहाँ एक इंसान को तो जो है वो बना दिया, दूसरे इंसान को सिपाही बना लिया कि आओ भाई तुम मेरी फ़ौज में भर्ती हो जाओ, तुमको सिपाही बनाते। उसी इंसान से, उसी जो है हिंदू से दूसरे हिंदू को पिटवाया। ये काम अंग्रेज़ों का था, फूट डालो राज करो, यही काम आज ओवैसी कर रहा है। और जो है इस तरह की तो राजनीति खेलनी ही नहीं चाहिए किसी को भी, और ओवैसी जैसे इंसान को तो कहना चाहिए कि तुम लोग जैसे गाय को कटवाते हो वैसे ही जो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ शायद न माँ की इज्जत है, न बहनों की इज्जत है, न किसी की इज्जत है, लेकिन हमारे हिंदुओं में माँ और बहन की भी इज्जत है, और बेटी है उसकी भी इज्जत है। तो उसी तरह गाय को हम लोग माँ मानते हैं, हम गाय की इज्जत करते हैं, हम गाय को काटते नहीं हैं। हमारी अगर माँ बूढ़ी हो जाती है, जो माँ जैसे गाय गौ माता है, अगर वो गाय दूध देना बंद कर देती है तो हम उसको कत्ल नहीं करते हैं कि ले जाके स्लॉटर हाउसेस में डाल के और कत्ल करा के और उसका जो है मीट हम बाहर विदेशों में सप्लाई कर दें, हम ऐसा नहीं करते। जब हमारे घर के बुज़ुर्ग माँ बाप जो हैं अगर वो काम करने में असहाय हो गए, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उनको बिठा करके, उनके चरण दबा करके, उनके पांव दबा के उनको रोटी खिलाएं, उनकी सेवा करें, ना कि जो है उनको हम बाहर भी मांगने के लिए छोड़ दें। ये चीज़ वैसी कहिएगा कि वो भूल जाएं, और जो है सामने अगर इतनी हिम्मत है तो आ जाए, हिंदुओं के सामने अकेला दम रखता हुआ आ जाए, अकेले दम पे बात करें। ये क्या बात करता है, या पाकिस्तान क्या बात करता है? ये लोग जो है अपनी कंट्री में जाएं, अपनी कंट्री में बात करें। ओवैसी को जो है वैसे भी जो है यहाँ से जो है जब जिन्ना ने जो है अलग करवाया था कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं अलग हो जाऊँगा, और अलग जा करके उन्होंने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान फिर ओवैसी को यहाँ रहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ओवैसी को तो सीधा सीधा जाके पाकिस्तान में रहना चाहिए। पाकिस्तान में जो यहाँ से मुसलमान गए थे कि साहब अब पाकिस्तान बन गया है, हम मुसलमानों के लिए अलग एक देश बन गया है, और हम वहाँ जा करके ऐश से आज़ादी की ज़िंदगी जिएंगे, खुले हवा में सांस लेंगे, वो वहाँ पे जा करके मुजाहिद कहलाए, और मुजाहिद कहला करके उनको उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर ही नहीं जाने दिया, उनको बॉर्डर के पास ही शेल्टर दिया। क्यों? वो भी तो तुम्हारे मुस्लिम थे हैं, और उनको उनको तो समय उनको भी वहाँ जन्नत दिख रही थी,
वो सारे के साथ, फिर जो है यहाँ वाले मुसलमान वहाँ जाने को क्यों नहीं तैयार होते? क्योंकि भारत में उनको वो आज़ादी है, वो स्वतंत्रता है कि जिससे मर्जी आए उससे लड़ लो, जिससे जो मर्जी आए वो कह लो, जिससे जो मर्जी आए गले मिल लो, जिससे जो मर्जी हर त्योहारों में एक दूसरे के शामिल हो लो। हैं, राह से राम है तो राह से रहीम भी है, राह से रमज़ान है तो राह से जो है रोज़ा भी है, ठीक है, और राह से जो है राम भी है, रामनवमी भी है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें ये इस हिंदुस्तान में है, इस हिंदुस्तान में पत्थर भी पूजे जाते हैं, पेड़ भी पूजे जाते हैं और पौधे भी पूजे जाते हैं, यहाँ तक कि नदियाँ भी पूजी जाती हैं और कुएँ और तालाब भी पूजे जाते हैं, जिसमें इसमें हम लोग सब लोग देवता का निवास देखते हैं, प्राण देखते हैं, और तुम तो जीते जागते प्राण को जो है तुम लोग जो है मार देते हो। तो ये कहाँ की? थैंक यू मैम। मैम आप इस पर चीज़ पे क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब सारी अपने देश की अर्थव्यवस्था को छोड़ के POK में रैली करने जा रहे हैं 13 तारीख को? अरे POK में क्यों आ रहे हैं? उसको बंदे को पता नहीं है कि जो है वो हिस्सा तो जो है हिंदुस्तान का है, है? और इसीलिए जो है हमने स्वतंत्र उसको बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया आपके लद्दाख को, और इधर जो है हमने JNK को बना दिया, और वो POK का जो है हिस्सा बता रहे हैं वो POK का उनका हिस्सा नहीं है, वो हमारे भारत का ही हिस्सा है। वो जिस समय कबाइलों से युद्ध हुआ था, पहला जो युद्ध हुआ था वो कबाइलों से हुआ था, कबाइलों से युद्ध में जब जो है भारत जीता है, उसको नेहरू जी ने कहा कि कोई बात नहीं छोड़ो छोड़ो दे दो, जब जो है चाइना में जो है वर्ल्ड वार में चाइना के जब हिंदुस्तान जीता है तो तब भी नेहरू जी ने कहा छोड़ दो दे दो चाइना को हिस्सा जाने दो। तो इस तरह से नेहरू जी ने महा ब्लंडर मिस्टेक करी, जिसका भुगतान आज सारे भुगत रहे हैं, और उनको कह देना यहाँ आने के बाद पता नहीं तुम वापस जा पाओगे या नहीं जा पाओगे, हो सकता तुम्हारी मज़ार हमको यहीं पर बनानी पड़ जाए। तो इसको जो है इमरान को अच्छी से हमारी तरफ से मैसेज दे दीजिएगा। ये सर एक मैम एक तरफ पे एक तरफ गिलगिट में और बाल्टिस्तान के लोग में भी मोर्चा निकाल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं यहाँ पे जो गुंडागर्दी है उसके पीछे वर्दी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, उसके पीछे वर्दी है तो वर्दी तो वहाँ की वर्दी ही शासन करती है। पाकिस्तान में ये जो इमरान खान है या और जो भुट्टो थे या बेनज़ीर भुट्टो थी या और जो लोग थे जियाउल हक वगैरह थे, ये तो सिर्फ एक चंद जो है समझ लीजिए गोल्ड स्टैम्प है, इनको तो सिर्फ एक स्टाम्प की तरह से ऐसे मोहरा बना करके बिठाला जाता है, बाकी सारा शासन वहाँ पे जो है वहाँ की फ़ौज चलाती है, फ़ौज के हाथ में ही पाकिस्तान का शासन, हमारे यहाँ की तरह थोड़ी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के हाथ में जो है शासन है, और जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की जब सहमति होगी तभी जो है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा, अदरवाइज नहीं। तब हमारे यहाँ फ़ौजें जो है इंटरनल और एक्सटर्नल, तो खैर फ़ौजें लगी ही रहती हैं, तब इंटरनल भी फ़ौजें लग करके शासन करेंगी, और जब तक कि जो है नहीं ये लोग हैं और कोई ऐसा नहीं है तो हमारे इस तरह का कोई वो नहीं होता, मेमोरेंडम इशू नहीं होते। थैंक यू मैम। कार्तिक जी मुझे ये बताइए कि POK में इमरान खान 13 तारीख को रैली करने जा रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान और गिलगिट के लोग उनके खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हैं, अलग होने की बात कर रहे हैं, और ये जो कह रहे हैं ये जो खौफ है इसके पीछे सेना है, जो पाकिस्तानी सेना है वो है, एक तरफ इतने ज़्यादा मोर्चे और उनकी पब्लिक उनका साथ नहीं दे रही, और दूसरी तरफ वो कश्मीर को लेके पीछे पड़े हुए हैं, अब वो POK में रैली करने जा रहे हैं 13 तारीख को। इस पर देखिए, कश्मीर तो उनके हाथ से निकल चुका है जो हमारा कश्मीर था, अब देखिए मुद्दा क्या है कि कश्मीर उनके हाथ से निकल गया है, अब वो वहाँ पे सेना को लेके मार्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है कि उनका कहीं POK हाथ से ना निकल जाए। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कश्मीर और बलूचिस्तान का मुद्दा क्या है, इस पर थोड़ा सा मैं आपको बोलना, टाइम समय देंगे तो मैं बोलूँगा। कश्मीर में क्या हुआ था 1947 में जब आज़ाद हुआ देश, तो ये उसके कुछ सालों बाद ये हरी सिंह वहाँ के इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे वो, तो उन्होंने कहा कि मैं ना भारत में जाऊँगा और ना मैं पाकिस्तान में जाना चाहूँगा, लेकिन कबीलाइयों ने हमला कर दिया कश्मीर पर, पाकिस्तान की तरफ से जो उन्होंने हमला कर दिया और कुछ हिस्सा उसका कब्जा कर लिया, फिर वहाँ से हरिहर सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी, तो भारत की सेना ने वहाँ पे गई और उन्होंने इस चीज़ को रोका और कबीलाइयों को खदेड़ा, पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा, एक हो गया, ये कश्मीर का मुद्दा हो गया, ठीक है। अब आपको बलूचिस्तान का मुद्दा बता रहे हैं, 1947 जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उसके दो हिस्से थे, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, लेकिन उसमें एक बलूचिस्तान भी एक जगह था, वो इंडिपेंडेंट था, वो भी इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, एक अलग विभाग ही था वो, ना भारत में ना वो भारत का हिस्सा था ही नहीं, लेकिन वहाँ पे कबीलाइयों ने वहाँ पे हमला करके 1948 में उसको भी कब्जा करने की कोशिश की, तब से वहाँ पे आज तक बहुत विद्रोह चल रहा है,
लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि बलूचिस्तान के लिए कोई दुनिया में कोई देश आगे नहीं आया। लेकिन आज के समय में पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डर है कि इंडियन आर्मी इंडिया भारत वहाँ उनको सपोर्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं उनको डर है कि उनके हाथ से पीएको गिलगित बल्चिस्तान और अक्साई चीन निकलने वाला है। इसलिए उनकी उनकी चिंता जगजाहिर है कि वो कश्मीर तो हारी चुके हैं और वो पीएको भी हारेंगे, गिलगित बल्चिस्तान सब उनके हाथ से जाने वाला है। सर, आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने मथुरा में ये कहा था कि गऊ और ओम का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, और इस पर ओवैसी ने भी बहुत ट्वीट करके उन्होंने उल्टी सीधी बातें कही थी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उन्होंने तो गाय की जो उपलब्धियां गिनवाई थी, इसमें कुछ गलत तो नहीं? देखिए गाय, आप देखिए हमारे भारतीय संस्कृति में, हम भारत में निवास करते हैं, हमारे भारतीय संस्कृति में गाय का बहुत महत्व है, और गाय के बारे में वेदों में भी लिखा हुआ है, उपनिषद में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है कि गाय अगर गौ माता धरती पे नहीं रहेंगी वो तो धरती खत्म हो जाएगी। जिस दिन एक इस धरती पे जिस दिन गाय का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये धरती खत्म हो जाएगी, ऐसा लिखा गया है, और ऐसा चीज़ हो भी जाएगा, क्योंकि गाय की पूजा हमारे संस्कृति में गाय की पूजा की जाती है। आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में, प्राचीन क्या अभी भी होता होगा, बहुत सारे घरों में होता होगा कि पहले रोटी गाय को दी जाती है, शायद आपके भी घरों में दी जाती होगी, हमारे घर में तो अभी आज भी होता है कि गाय को पहले रोटी दी जाती है। तो गाय का महत्व है, पौराणिक महत्व है, और गाय हमारे लिए माता है, और गाय से हमारे हम गाय का दूध पीते हैं। आप ओवैसी क्या बोलेंगे, उसी गाय का दूध पीते हैं, उसी गाय को काटने का समर्थन करते हैं, तो ओवैसी क्या बोलेंगे, वो ओम ओम का उच्चारण नहीं करेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तरह तरह की चीज़ें वो करते रहते हैं, तरह तरह की कंट्रोवर्सी करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि उनका कोई बेस नहीं है, उनके पास कोई राजनीति करने का मुद्दा नहीं है, उनके पास दिखता है कि देश में एक विशेष तबके को वो करते हैं, उसकी क्या करते हैं, उसके ऊपर वो ध्यान देते हैं कि भाई इसी के बारे में मुझे सोचना है, जबकि देश में सभी लोग रह रहे, सभी संप्रदाय के लोग रह रहे, लेकिन केवल एक चीज़ को सोचते हैं कि भाई इसी के लिए मुझे सोचना है, और उसी के लिए बोलते हैं। वो अक्सर क्या करते हैं, वो अपनी बात कहाँ से कहते हैं, वो अपना खुद मंच अपना खुद बनाते हैं, लोगों को बुलाते हैं और उनको डिक्टेट करते हैं कि वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, पता नहीं किस तरीके से बोलते हैं, बड़ा भद्दा लगता है वो। आपने भी देखा होगा, उनके भाषण देखे होंगे, बड़ा मुझे बुरा लगता है कि वो एक विशेष धर्म की बात करते हैं जो कि भड़काने वाली चीज़ है, उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। और जो राजनीति कर रहे हैं, अल्पसंख्यक राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब समस्या ये है कि अल्पसंख्यक रहा नहीं, वो बहुसंख्यक दुनिया इंडिया की सबसे बड़ी दूसरी बहुसंख्यक कम्युनिटी हो चुकी है। तो ये वैसे ही हमेशा एक, अगर बार बार कम्युनल हारमोनी की बात करते हैं, कम्युनल हारमोनी तो मेंटेन नहीं कर रहे हैं ना, वो कहाँ कम्युनल हारमोनी मेंटेन कर रहे हैं, कहाँ वो हिंदुओं के बारे में सोच रहे हैं, कहाँ वो बात करते हैं, वो तो बस राजनीति कर रहे हैं कि मुसलमानों का वोट मैं ले लूँ, सिंपथी ले लूँ, और बाद वो जय भीम का नारा देते हैं, ये क्या है, राजनीति कर रहे हैं, वो हर चीज़ राजनीति कर रहे हैं, गाय पर राजनीति, ओम का उच्चारण नहीं करेंगे, भाई क्या दिक्कत है, योगा नहीं करेंगे, भाई पूरी दुनिया योगा कर रही है, सऊदी अरब के लोग योगा कर रहे हैं, यूएई के लोग योगा कर रहे हैं, आप क्यों योगा करेंगे, आप भाई आप कौन से मुसलमान है, भाई आपने कौन सी किताब पढ़ी है कि आप योगा नहीं करेंगे, पूरी दुनिया योगा कर रही है, योगा करने से आदमी इंसान स्वस्थ होता है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा थोड़ी है, इससे आदमी इंसान स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है, दिमाग स्वस्थ होता है। मैं उनको संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, थोड़ा सा वो योगा करें, उनका दिमाग स्वस्थ होगा, उनका दिमाग में जो कचरे राजनीति भरी है निकल जाएगी।